हाय ऑल, हम लोग हैं वियन्ना में और जा रहे हैं थोड़ा शॉपिंग करने, तो चलते हैं। यहाँ की ट्राम है, ये बहुत ही सुंदर है। और पहले थोड़ा होटल में चलते हैं जहाँ हम रुके हुए हैं, वहाँ से ब्रेकफास्ट करके शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं। ये है हमारा होटल जहाँ पे हम रुके हुए हैं, और अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर थोड़ा बाहर जाएंगे। तो चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। अंदर आते ही यहाँ कोने में कॉफ़ी मशीन है और आप इतने सारे प्रकार की कॉफ़ी यहाँ बना सकते हैं। मशीन भी है जो आपको ये सारी चीज़ें कॉइन डालने पर मिल जाएंगी। यहाँ से कॉइन डालेंगे, यहाँ से चीज़ें मिलेंगी। इस तरफ ब्रेकफास्ट है तो चलते हैं। यहाँ टाटा की गाड़ी और देख रहे हैं मोटरसाइकिल, इस पे सारी चीज़ें ब्रेकफास्ट की रखी गई है। ऐसी बहुत सी चीज़ें इन्होंने की है। तो यहाँ कॉफ़ी, कुछ जूस वगैरह है और कुछ सैलड्स भी है, ब्रेड्स भी है अलग अलग टाइप के। और यहाँ पे ज़्यादातर केक्स है चेरी वाले, तो वो हमने ज़्यादा खाए। केक्स बहुत अच्छे लगे और सैलड्स भी है। ये दोनों केक बहुत प्यारे लगे, बहुत टेस्टी थे ये दोनों। इस तरफ सैंडविच का सेक्शन है और सामने देखेंगे तो बुलेट पे कांच के ग्लास रखे गए हैं। सुपर शॉप, हम आ चुके हैं सुपर शॉप में। ग्रॉसरी एरिया है तो बहुत फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है। टमाटर के अलग अलग शेप भी है, बहुत लंबूड़े भी है, गोलाकार भी है और बड़े भी है, बहुत ज़्यादा बड़े भी है, बहुत ज़्यादा छोटे भी है। और एक बात कहूँ तो इतने अच्छे फ्रेश फ्रूट्स है, जितने भी हमने कंट्रीज़ घूमे हैं उसमें हमने फ्रेश फ्रूट्स बहुत खाए, बहुत बढ़िया लगे मुझे। या बहुत सुंदर, हमने बहुत खरीद भी किए यहाँ के फ्रूट्स। यहाँ के ये लेमन है पीले वाले, तो हमारे यहाँ छोटे होते हैं लेमन, लेकिन यहाँ बहुत टेबल साइज़ के होते हैं। और इनका शरबत बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे बहुत जगह पे वो शरबत है। और मिर्ची देखिए, मिर्ची की साइज़ इतनी बड़ी है, क्या कहे, पूरा ट्रे उसमें आ जाता है, इतनी बड़ी एक एक मिर्ची है। और यहाँ की जुकीनी की साइज़ भी बहुत बड़ी है, ये रही जुकीनी, बहुत ही बढ़िया और फ्रेश सब्जियाँ है सारी। हमने ख़रीदी तो नहीं कभी, होटल में ही खाई, लेकिन देखने में बहुत ही फ्रेश और सुंदर लगती है। और यहाँ के लोग जूस भी ज़्यादा पीते हैं, तो हर जगह जूस बहुत ज़्यादा दिखता है यहाँ हर शॉप में। यहाँ फ्रेश हर्ब्स भी खाए जाते हैं, तो ये फ्रेश हर्ब्स है, बहुत अच्छे लगते हैं वो भी फ्रेश। और सारी चटनियाँ भी है यहाँ पे। और यहाँ पे मूंगफली का साइज़ इतना बड़ा है, ब्रेड के अलग अलग प्रकार है। हमने यहाँ की मूंगफली भी ख़रीदी, तो साइज़ बहुत बढ़िया और टेस्ट भी बहुत अच्छा। मैं आगे दिखाती हूँ मूंगफली। यहाँ ब्रेड के बहुत ही अलग अलग प्रकार है, अच्छे लगे, हमने दो तीन खरीदे। जो अभी हमें अलग लगे वो हमने खरीदे, लेकिन टेस्ट अच्छा लगा। यहाँ किस तरफ क्या है मिल रहा है, ये सारी चीज़ें वो बताते रहते हैं कंटिन्यूस, तो हमें ढूंढने में परेशानी नहीं होती। लेफ़्ट में क्या है, राइट में क्या है, किस में क्या है, वो सब कंटिन्यूस बोलते रहते हैं, तो इसीलिए हमें जल्दी जल्दी चीज़ें मिलती गई। यहाँ रास्पबेरी का जूस बहुत पिया जाता है, तो वो हर जगह दिख रहा है। यहाँ थोड़े स्नैक्स दिख रहे हैं, वो भी हमने ख़रीदे। और यहाँ पे अलग अलग सॉस है जो वो लोग खाते हैं, तो वो भी थे जो हमने नहीं लिए। और ये सेक्शन है रेडी टू ईट पिज़्ज़ा का, तो सिर्फ गरम करके खाना है, वो भी एक है।
ये साइज़ पूरा पास्ता का है, जैसे हमारे यहाँ कप नूडल्स आता है तो उसी तरह से यहाँ कप पास्ता आता है। ये भी अलग टाइप का पास्ता है और पेने पास्ता भी है, तो सिर्फ गर्म पानी डाल के वो खाना है। वो भी एक यहाँ में दिखा। और ये है चॉकलेट सेक्शन, ये सेक्शन है आइसक्रीम का, अलग अलग टाइप का आइसक्रीम है। चॉकलेट की खरीदारी शंबर ग्राम से ये है 21 ग्राम एक है, तसे 10 है, 210 ग्राम। इस तरफ सारे चिप्स है अलग अलग टाइप के, अलग अलग फ्लेवर्स के, तो वो हमने ज़रूर लिए क्योंकि हम ट्राई करना चाहते थे यहाँ के चिप्स, तो वो भी हमने लिए हैं, अच्छे लगे। और ये सारे बच्चों के पसंदीदा सेक्शन है हरिबो चॉकलेट्स। यहाँ का सी बर्जर भी बहुत अच्छा है, वो हमने एक पैकेट लिया, बहुत सुंदर लगा, वो टेस्टी भी लगा हमें। तो अब हमारी शॉपिंग हो चुकी है, चलो खाना खाने चलेंगे इंडियन रेस्टोरेंट में। हाय ऑल, थोड़ा शॉपिंग करने के बाद हम डिनर के लिए आ चुके हैं। अभी बजे है रात के 8:30, और यहाँ पे हमें इंडियन रेस्टोरेंट मिला है स्पाइस ऑफ इंडिया, जिसका हमने नाम सुना था, तो चलो चलते हैं। इंडियन थीम बनाई गई है, इंडियन पेंटिंग्स, सारे भगवान यहाँ नज़र आ रहे हैं, और इंडिया का मैप भी लगाया गया है, बहुत सुंदर किया है सजावट। आज हम लोग यहाँ पे पनीर टिक्का ट्राई कर रहे हैं और साथ में फ्राइड पापड़ दिया है। ये है चना मसाला, शाही पनीर, तंदूरी रोटी, बटर, ये नान लिया है, गार्लिक नान और वो सैलेड, अनियन सैलेड।